हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहता हूँ, तो आज फिर मैं लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो हमारा है वो है क्रोमा की के रिगार्डिंग। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा वीडियो कैसा होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, आप इंटरफेस देख सकते हो काइन मास्टर का। तो काइन मास्टर के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे एडिटिंग होती है, कैसे जो है आप क्रोमा की का यूज़ करते हैं और कैसे आप लोगों को जो है VFX के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा डिटेल में, कैसे आप जो बेहतरीन इफेक्ट्स डाल सकते हैं काइन मास्टर के थ्रू। और ये काइन मास्टर ऐसी ऐप है जिससे आप अच्छी एडिटिंग आप कर सकते हो अपने फ़ोन से, और इसके लिए आपको कोई परचेज नहीं करना पड़ता है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा विदाउट जो है काइन मास्टर वाटरमार्क वाला, और आप जो है इसको बेहतरीन यूज़ कर सकते हो। आप ये अच्छे पिक्चर जो है पिक्सल क्वालिटी में आप जो है इसको आप अपनी वीडियोज जो है बना सकते हो, आप अच्छी एडिटिंग करना सीख सकते हो यहाँ से। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है प्लस साइन पे क्लिक करना है, अपना रेशियो सिलेक्ट कर लेना है जो रेशियो आपको अच्छा लगता है। तो मैं 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो फ्रेंड चलो मैं सिंपली आपको कुछ जो है यहाँ से दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे मुझे क्रोमा की यूज़ करना है, तो आप इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि मैं एक छोटी सी आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ वीडियो का। तो मेरे पास एक जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का जो मेरे पास ग्रीन इफेक्ट है क्रोमा की के लिए, तो मैं जो है उसको यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि आपको क्लियरली मैं यहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना फ्रेंड्स। और मैं चला जाता हूँ डाउनलोड्स में, क्योंकि डाउनलोड्स मेरा वो है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। और आपको लेयर पे क्लिक करना है क्योंकि आपको इफ़ेक्ट डालना है। आपको जो है अपना सब्सक्राइब, यहाँ से सब्सक्राइब बटन वाला भी, अपना जो है लाइक वाला भी, आप यहाँ से सारे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये करना है, आपको यहाँ से चाहते हो आप यहाँ बड़ा कर सकते हो उसको। तो फ्रेंड जैसे मैं थोड़ा सा ये वीडियो प्ले करके देख लेता हूँ यहाँ से। तो मेरा ये चैनल आर्ट है जो मैंने बनाया है, कमेंट करके बताना कैसा मेरा चैनल आर्ट बना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रोमा की मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब मुझको ये ग्रीन जो है बैकग्राउंड हटानी है और सिर्फ ये मुझे सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक मुझे दिखाना है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस पे ग्रीन इफेक्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपका चौथा ऑप्शन है क्रोमा की, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनेबल करना है और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे वीडियो प्ले होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हो आपको कितना अच्छा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ये आप अपनी वीडियो में कहीं से भी आप लगा सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक बार फिर दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ वाइट स्क्रीन पे, यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ कोई भी एक, और मैं यहाँ से बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और वहीं से सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे अपने जो है अपने वीडियो पे या फिर अपने इमेज पे ये मुझे लगाना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपको जब भी आप लगाना चाहते हो तो आपको लेयर पे क्लिक करना होगा। सिंपली लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया से सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आपकी डाउनलोड फाइल पड़ी है। एक बार चलो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये, और आपको जो है बैकग्राउंड का जो ग्रीन कलर है वो आपका हट जाएगा, और आपको सब्सक्राइब शेयर और लाइक वाला तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ एडिटिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये एडिटिंग वगैरह इफेक्ट्स कैसे होती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉलीवुड बॉलीवुड में आप जो है आप दो स्क्रीन में आप जो है, क्योंकि जो क्रोमा की यूज होता है वो ब्लू स्क्रीन में और ग्रीन स्क्रीन में ही यूज होता है। सिर्फ दो ही कलर ऐसे हैं जिसमें आप क्रोमा की और VFX इफेक्ट डाल सकते हैं, और ये आप देख सकते हो हर बॉलीवुड हर हॉलीवुड मूवी के जो बड़े बड़े सीन होते हैं वो क्रिएट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। आप जो है इसके बाद कोई भी पीछे बैकग्राउंड या एनिमेशन कुछ भी लगा सकते हैं, इसे ही VFX इफेक्ट्स बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप लोग अपने काइन मास्टर से भी कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो फिल्म वगैरह के लिए मूवी वगैरह के लिए यूज होते हैं। तो आपको इसमें
कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो काइन मास्टर डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको जो है ये आपको नेट पे यूट्यूब पे आपको बहुत से ऐसे सब्सक्राइब बटन वाले आपको जो है मिल जाएंगे, आप जो है इंट्रो आउट्रो आप जो है दे सकते हैं और अपने हिसाब से क्रोमा की को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रोमा की पे आपको सिर्फ इनेबल करना है, आपकी जो है ये जो बैकग्राउंड जो में आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो आपका हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था क्रोमा की के बारे में, कैसे यूज होता है, कैसे इनेबल होता है और कैसे इससे आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।